أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dear students of City English School System Grade 4 26 March 2021 and the day is Friday Me Fariha Saleem, Mathematics teacher of grade 4. Hope you will be good. Now students, let's come on the study. Okay students, previous knowledge. Let's check your knowledge to ask some question. Okay dear students, tell me 200 multiplied 2 is equal. Yes, good, 400. 200 multiplied 2 is equal 400. 525 multiplied 100 is equal to. Yes, 52,500. Good. 500,000 multiplied 0 is equal. Yes, good. 0. Now, dear students, come on the topic. Our today's topic is multiplication of numbers 4 by 2 and 4 by 3. SLOs of this topic, students will be able to find product of big numbers. Now, open your notebooks of math and arrange your copies. जी प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपनी कॉपीज़ को आप अरेंज करें, मार्जिन लाइन लगाएं, डेट और डे लगाएं, डेट 26 मार्च 2021 एंड डे फ्राइडे, और मिड में आपने लिखना है गाइडेड प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद आपने ब्लू मार्कर के साथ लाइंस लगानी है, देन आपने टॉपिक और टॉपिक नेम लिखना, टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स 4 बाय 2 एंड 4 बाय 3, ये सब आपने मार्कर से लिखना है और डबल अंडरलाइन लगानी है। Students, remember multiplication is a repeated addition. Now keywords, parts of multiplication. Multiplication के जो part हैं उनमें first part name is multiplicand, second is multiplier and third is product. यानी कि जो answer आता है उसको हम product कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम guided practice लिखेंगे और question number 1, find the product of the following. 2456 मल्टीप्लाई 73। अब हमने इसका सोल्यूशन स्टार्ट करना है। जी प्यारे बच्चों, अब हमने मल्टीप्लिकेशन का सोल्यूशन स्टार्ट करना है। 2456 मल्टीप्लाई 73, ठीक है। फर्स्ट हमारा नंबर मल्टीप्लिकेंड है और सेकंड हमारा नंबर मल्टीप्लायर है। अब हमने सेकंड नंबर जो मल्टीप्लायर है उसका फर्स्ट जो हमारे पास डिजिट है यानी कि 3 वंस है, वंस को हमने ऊपर वाले सारे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब हमने 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 6 are 18, 18 का हमने 8 लगा लिया, 1 हमारा टेंस के ऊपर यानी कि 5 के ऊपर कैरी चला गया। अब हमने 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 5 are 15, 15 में 1 कैरी ऐड किया, 16 आ गया, 16 का 6 हमने टेंस के नीचे लगाया है और 1 कैरी हमारा ऊपर चला गया, 4 के ऊपर हमने 1 कैरी लगा दिए। जी, अब 3 4 are 12, 12 में 1 कैरी ऐड किया, 13, 13 का 3 हमने लगा दिया और 1 कैरी हमारा 2 के ऊपर चला गया है, ठीक है। अच्छा जी, अब 3 2 are 6, 6 में 1 कैरी हमने ऐड किया और 7 आ गया, यानी कि अब हमने 3 को ऊपर वाले सारे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। अच्छा बच्चों, अब हमने 73 था ना, 73 में से 3 के साथ हमने यानी वंस के साथ मल्टीप्लाई कर लिया था। अब हमारे पास पीछे रह गया था 70, 70 का 0 हमने नीचे लगा दिया और पीछे हमारे पास टेंस में 7 रह गया। अब हमने 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जी, 7 6 are 42, 42 का हमने 2 लगा दिया और 4 हमारा 5 के ऊपर कैरी चला गया, ठीक है। अच्छा, अब 7 5 are 35, 35 में हमने 4 ऐड किया तो 39 आ गया, 39 का 9 हमने नीचे लगाया और ऊपर 3 हमारा 4 के ऊपर कैरी चला गया, ठीक है। जी, अब 7 4 are 28, 28 में हमने 3 कैरी ऐड किया, 31, 31 का हमने 1 लगा लिया और 3 हमारा कैरी 2 के ऊपर चला गया, ठीक है। अब 7 2 are 14, 14 में 3 कैरी ऐड किया, 17, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो गया है। अब हमने इन दोनों नंबर्स को जो हमारे पास हैं इनको हमने ऐड करना है, ठीक है। ऐड करेंगे, 8 में 0 ऐड किया, 8 आ गया, 6 में 2 ऐड किया, 8,
थ्री में नाइन ऐड किया, ट्वेल्व, ट्वेल्व का टू लगा और वन कैरी सेवन के ऊपर चला गया। सेवन में वन ऐड किया एट, और एट में वन कैरी नाइन, ठीक है, सेवन का सेवन और वन का वन, 179,288। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया, गॉट इट जी स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर टू हम सॉल्व करेंगे, राइट वर्टिकली एंड मल्टीप्लाई 2,379 मल्टीप्लाई 456, ठीक है, ये 4/3 वाला हमारे पास क्वेश्चन आ गया। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, पहला हमारा नंबर है वो मल्टीप्लिकेंड है, सेकंड हमारा नंबर मल्टीप्लायर है, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, 6 को हमने 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 9 54, 54 का हमने 4 लगाया और 5 कैरी 7 के ऊपर चला गया। अब आगे 6 7 42, 42 में हमने 5 ऐड किए तो 47 आ गया, 47 का हमने 7 नीचे लगा लिया और 4 हमारा 3 के ऊपर कैरी चला गया, ठीक है जी। नेक्स्ट है 6 3 18, 18 में 4 कैरी वाला हमने ऐड किया तो 22 आ गया, 22 का हमने 2 लगाया और 2 हमारा 2 के ऊपर यानी 1000 का जो 2 है उसके ऊपर कैरी चला गया। 6 2 12, 12 में 2 कैरी हमारा आया तो 14 आ गया, ठीक है। अब हमने फर्स्ट डिजिट के साथ ऊपर वाले सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिए, अब हम सेकंड नंबर के साथ बाकी सारे डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 56 का 6 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिए, अब हमारे पास पीछे रह गया था 50 जीरो हमने वंस की प्लेस में पुट कर लिया। अब हमने 5 हमारे पास है, 5 को हमने 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 9 45, 45 का हमने 5 लगाया और ऊपर हमने 4 कैरी लगा लिए। अच्छा अब 5 7 35, 35 में 4 ऐड किए तो 39, 39 का 9 हमने लगा लिया, 3 आगे 100 के ऊपर हमारे पास कैरी चला गया है। 15 में 3 कैरी ऐड किया, 18 का हमने 8 लगाया और 1 कैरी हमारे पास 2 के ऊपर चला गया है, 1000 के ऊपर चला गया, ठीक है। 5 2s are 10 में हमने 1 कैरी वाला ऐड किया तो 11 आ गया, 11 हमने पूरा लिख लिया क्योंकि आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है जी बच्चों। अब हम थर्ड डिजिट पे जाते हैं, यानी कि 456 था तो 56 को हम जो है वो मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब हमारे पास रह गया 400 के 20 हमने पहले पुट किए नीचे। अच्छा अब हमने 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 9 36, 36 का 6 लगा दिया हमने नीचे और 3 हमारा ऊपर 10s के ऊपर कैरी चला गया, 7 के ऊपर कैरी चला गया, ठीक है। नेक्स्ट हम 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 28 28 में हमने 3 कैरी वाला ऐड किया तो 31 आ गया, 31 का हमने नीचे 1 लगा लिया और ऊपर 3 हमारा कैरी चला गया, 100 के ऊपर यानी 3 के ऊपर कैरी चला गया, ठीक है। अच्छा जी अब 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 3 12 में 3 कैरी ऐड किया, 15 का 5 लगा लिया और 1 जो है हमारा 2 के ऊपर कैरी चला गया, 1000 पे कैरी चला गया, ठीक है। अच्छा अब 4 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 2 8 8 और 1 कैरी वाला 9 हमारा आ गया। अच्छा यहाँ पे हमारा हमने तीनों नंबर्स, तीनों जो डिजिट हैं उनको ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। लास्ट प्रोसीजर ये है कि हमने इनको ऐड करना है सारे नंबर्स को, 4 में 0 ऐड किया तो 4 आ गया, 7 में 5 को ऐड किया तो 12 का 2 लगा और 1 हमारा ऊपर 2 के ऊपर कैरी आ गया, ठीक है। 2 में 9 ऐड किए 11, 11 में 6 ऐड किए 17, 17 में 1 कैरी वाला ऐड किया तो 18 आ गया, 18 का हमने नीचे 8 लगा दिया और 1 हमारा अगले नंबर पे कैरी चला गया। अब आगे 4 में 8 ऐड किए 12 में 1 ऐड किया 13 और 1 कैरी 14 का 4 लगाया, 1 हमारा नेक्स्ट नंबर पे कैरी चला गया। अच्छा जी 1 + 1 2 में 5 ऐड किए 7 में 1 कैरी ऐड किया तो 8 आ गया हमारा। लास्ट नंबर है हमारा 9 में 1 हमने ऐड किया तो हमारे पास 10 आ गया और 10 पूरा हमने लिख दिया क्योंकि आगे हमारा नंबर कोई और नहीं है जी बच्चों। अब हमारा आंसर आ गया 1,084,824, ठीक है। ये मल्टीप्लाई के दो क्वेश्चन मैंने आपको करवा लिए हैं और इनके ऊपर आपने प्लेस वैल्यू भी मस्त लिखनी है, कैरी आपने अच्छी तरह लेने हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं जी बच्चों। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के भी आपके दो क्वेश्चन जाएंगे,
1465 मल्टीप्लाई 37, ये आपने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में क्वेश्चन करना है। ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसी के नीचे आपने अगला क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है 9268 मल्टीप्लाई 104। ये दो क्वेश्चन है आपके इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के। इस तरह फोर क्लास आपके फोर क्वेश्चन आज के लेक्चर में गए हैं। टू क्वेश्चन आपने गाइडेड प्रैक्टिस वाले करने हैं और टू आपने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन करने हैं मल्टीप्लाई के। ठीक है बेटा, डायरी डू प्रैक्टिस ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस, गाइडेड प्रैक्टिस एंड इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस ऑन योर नीट कॉपीज़। ओके, आपने नीट कॉपीज़ पे ये चारों क्वेश्चन करने हैं। एट द एंड आई विल से फी अमानिल्ला एंड आल्सो से ऑफ टाइमिंग दुआ सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। थैंक यू।